मूवी तो आपने देखी होगी कि किस तरीके से रुस्तम मूवी में अक्षय कुमार की पत्नी को, यानी कि अक्षय कुमार एक नेवी के कैप्टन होते हैं और उसके बाद फिर मूवी में जो ट्विस्ट ट्विस्ट देखने को मिला था आपको, वो कहानी एक रियल घटना पर आधारित थी। लेकिन जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूं, वो कहानी भी कहीं ना कहीं रुस्तम के स्टोरी से थोड़ा बहुत मिलती जुलती है, ज्यादा नहीं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। तो एक खबर से आज हम आपको रूबरू कराते हैं, एक ऐसी भयानक खबर जिसे देख करके और सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये रोंगटे इसलिए खड़े हो जाएंगे क्योंकि भयानक तरीके से, जिस तरीके से मर्डर हुआ, और मर्डर के चलते कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि नारायणा थाना क्षेत्र में शनिवार को मेजर की पत्नी की हत्या के मामले में पश्चिमी जिला पुलिस ने मुख्य आरोपी मेजर निखिल हंडा को मेरठ के कंकरखेड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। और ये चीज़ जो कहीं ना कहीं देखी ये जा रही है कि रुस्तम फिल्म से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टोरी ये जुड़ी हुई है। ये स्टोरी इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि जिस प्रेम प्रसंग के चलते जिस महिला की हत्या हुई है, वो कहीं ना कहीं मेजर, जो फौज में एक मेजर थे, वो कहीं ना कहीं उनसे जोड़ी जा रही है। कहा ये जा रहा है कि महिला और उस मेजर के प्रेम प्रसंग को लेकर के बहुत सालों से ये चल रहा था, लेकिन ये गुत्थी जो है ये पूरी तरीके से अनसुलझी हुई है। मैं आपको बता दूं कि हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर के हुई थी, और मैं एक और खबर की तरफ आपको ले चलता हूँ। 2009 में शैलजा का विवाह अमित द्विवेदी के साथ हुआ था, और ये कहीं ना कहीं खबर ऐसी भी आ रही है कि जो शैलजा जो थी वो कहीं ना कहीं मेजर के साथ जो कहते हैं कि विवाह से पहले जिस तरीके से अफेयर उन्होंने रखा था, और एक एक्स्ट्रा अफेयर वहाँ चल रहा था, और इसके बाद उनके पति के पीठ के पीछे जिस तरीके से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसको लेकर के पति को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरफा प्यार था जिस तरीके से मेजर ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन मैं इस SPN9 न्यूज इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता है कि किसने हत्या की है, लेकिन खबरों के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कि खबर में यही आ रहा है कि जो मेजर था उसने शैलजा की हत्या की है। और खबर की तरफ अगर पूरी तरीके से मैं ले चल लूँ आपको, तो समझा पाता हूँ आपको कि शादी से शैलजा ने कहीं ना कहीं मना कर दिया था, और इसीलिए उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसी खबरें आपको आए दिन देखने को और सुनने को मिलती हैं कि एक तरफा प्यार की वजह से किस तरीके से घटनाएं सामने आती है। अभी ग्रेटर नोएडा की एक घटना जो आपके सामने थी कि एक लड़की को एक लड़के ने इसीलिए मार दिया था क्योंकि वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी, और वो लड़का उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और जब उसने किसी चीज़ों के लिए मना किया, या फिर यूँ कहें कि शादी के लिए मना किया हो, या फिर कोई ऐसा मसला था जिसके लिए उसकी बीच सड़क पर उसकी चाकू मार कर हत्या कर दी। ये सिर्फ आपको सुनने को भारत में ही मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर हर खबरों का समावेश होता है। कॉकटेल जो बनता है खबरों का, चाहे वो क्राइम की न्यूज हो या फिर पॉलिटिकल की न्यूज हो, हर खबर में कहीं ना कहीं इस तरीके से एंगल जुड़ा मिलता है कि कुछ ऐसे खबर होती हैं जो कहीं ना कहीं मन को बिल्कुल विचलित कर देती हैं। वो ऐसी खबरें जो कहीं ना कहीं एक बाप है जो अपनी बेटी को बाहर निकलने के लिए इसलिए रोकता है क्योंकि जमाना खराब है, ये कह करके। लेकिन जो खबरें आपको देखने को और सुनने को मिलती हैं, उन खबरों से सबक भी लेना चाहिए। मैं आपको इस पूरी खबर की तरफ अगर रुख करूं, तो आपको मैं बता दूं कि
पश्चिमी जिले के यानी कि दिल्ली की ये पूरी घटना है। पश्चिमी जिले के पुलिस उपायुक्त विजय कुमार ने बताया है कि आरोपित मेजर निखिल हंडा शैलजा द्विवेदी पर पति से संबंध तोड़ने और उसके शादी करने का दबाव बना रहा था। मैं आपको एक जो पुलिस आयुक्त विजय कुमार है उनकी एक वीडियो आपको सुनवाता हूँ, उस तरीके से उन्होंने क्या कहा, उसके बारे में आखिर क्या योजना थी, किस तरीके से ये मर्डर किया गया है, उसके बारे में देखिए आप। Accident of a girl. In reached here and found that in body is lying in some blood, pool of blood. So when we searched the body, we found that it might be a murder because an incision wound was there on her throat. So after that, we called our crime team, forensic science lab team. But that time, that body was not identified. So we tried our methods and finally. Identified the girl. Right now we have identified we have some clues. The clues might be close to her or non to her. It seems that multiple some personal matters, not about some robbery and definitely an assault, not sexual assault at all. So has the body been identified? We are learning that she say that our clues are definitely has linked with the identity of the lady. So I right. can't reveal identity. Right. But yes, we have identified. So you are saying it look completely ruling out sexual assault because of some evidences are there. Yes, she might be murdered here and has been thrown, or else she. She was dumped here, but most probably as far as investigation so far, what we have concluded that so far, she was with someone and they might be one or two most, max. And she was murdered here and then she was dumped from the car. So has the accused? No, some definite clues. Right. And maybe some definite motives. So we are trying. Hopefully, we'll be able to show you. So, just a last question. The road, this area is slightly segregated. Okay. This is like a segregated area. JJ Colony is there, railway track is there. Right. So, no nearby residents of army personnel. This is called the Delhi Kent Metro Station, but the residential area is across the road, right. That side. Second, as I was mentioning, the accused might be, as far as investigation so far, इन तस्वीरों में देख करके आपके मन में कहीं ना कहीं ये आपको तस्वीरों को ब्लर किया गया है, क्योंकि जो बॉडी है, बॉडी को अगर आप रियल में देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी खौफनाक तरीके से हत्या हुई है। और ये मेजर जिस तरीके से कहा जाता है कि ये हत्या कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग इतना बढ़ गया था कि मेजर ने इस तरीके की खौफनाक हरकत कर दी, यानी कि निर्मम हत्या। आप जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि यह हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर हुई है। 2009 में शैलजा का विवाह अमित द्विवेदी के साथ हुआ था। शैलजा अमृतसर की रहने वाली थी और उसका झुकाव ग्लैमर की दुनिया की तरफ था। पिछले साल जुलाई में मैसेज इंडिया अर्थ मैगजीन के कवर पर शैलजा की फोटो भी छपी थी और वह एक एनजीओ में भी काम कर चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये ही पूरी पुलिस के मुताबिक जो आरोपी मेजर निखिल हांडा और शैलजा के पति की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में थी और 2015 में निखिल व शैलजा की मुलाकात हुई और दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो गई। इस बीच शैलजा के पति का चयन संयुक्त राष्ट्र के मिशन के लिए हो गया और वे परिवार सहित दिल्ली आ गए। अब पति पत्नी व बच्चे सभी दिल्ली कैंट स्थित ऑफिसर्स क्वार्टर में रह रहे थे। इस बीच आरोपित मेजर निखिल हांडा भी माइग्रेन की बात कहकर इलाज के लिए दिल्ली आ गया, यहां आर्मी के बेस अस्पताल में भर्ती हो गया। शैलजा भी पैर दर्द की शिकायत होने पर फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ रोजाना आती थी और दोनों की ये मुलाकात होती थी। और आपको मैं बता दूं
कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आरोपी मेजर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद उसने अपने बेटे को पेट संबंधी बीमारी का हवाला देते हुए इसी अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस दौरान वह शैलजा पर शादी का दबाव बना रहा था और शनिवार को दोनों बेस अस्पताल से एक साथ होंडा सिटी कार से निकले थे। अब यहाँ से निकलने के बाद दोनों दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास शमशान जगह पर पहुंचे। वहाँ कार में ही दोनों के बीच काफ़ी देर तक वाद विवाद होता रहा। फिर इसके बाद में जो सामने चीज़ें आईं कि पुलिस के अनुसार शैलजा द्वारा पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होने पर आरोपी मेजर के साथ उनका विवाद इस कदर बढ़ गया कि उसने गले पर चाकू से वार कर दिया और इसके बाद महिला को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। मौके पर पुलिस को टायर के रगड़ के निशान भी मिले और ये जो चीज़ें सामने आईं वो कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली थी। अब पुलिस ने शैलजा की मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू कर दी है। उसमें बताया जा रहा है कि कॉल डिटेल में इस कत्ल के पीछे प्यार और गुस्से के अलावा 3300 कॉल की पूरी कहानी है और ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि कहीं ना कहीं उलझती हुई दिख रही है। दिल्ली में मेजर की पत्नी की हत्या में क्या आरोपी की जो कहानी है ये बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई, लेकिन इस चीज़ की पुलिस पूरी पुख्ता हकीकत पर जाएगी कि आखिर मामला क्या है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।